हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी स्पोर्ट लेवल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल और फ्रेंड्स यहां से चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो फिफ्थ मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स यहां से आईपीएल का। तो फ्रेंड्स यहां से दोनों टीमों का क्या परफॉर्मेंस रहा पहले मैच में, ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। और फ्रेंड्स यहां से दिल्ली का मैदान जो फ्रेंड्स यहां से फिरोजा कोटला मैच खेला जाएगा फ्रेंड्स यहां पे किसको सपोर्ट करने वाला है, बैट्समैन को सपोर्ट करता है या फ्रेंड्स यहां से पेसर को सपोर्ट करेगा या फ्रेंड्स यहां से स्पिनर को, सारी जानकारी हम आपको देने वाले इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे नोटिफिकेशन में। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट मैचेस रहने वाला है आपके लिए, दोनों टीमें बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। तो फ्रेंड्स इनका आप सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रहा दोनों टीमों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो दिल्ली और यहाँ पे चेन्नई के बीच जो मुकाबला होगा फ्रेंड्स यहाँ से देखिए। और फिरोजा कोटला का फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स स्टेडियम यहाँ पे ग्राउंड जो है छोटा सा ग्राउंड है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आपने ध्यान रखना, आप ग्रैंडली खेलते हैं तो भाई आप बॉलर्स के फेवर्स में यहाँ से ऑलराउंडर और बॉलर्स के फेवर में अपनी टीम बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काफ़ी बार ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे टी20 मैचेस में जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैदान छोटा सा रहता है वहाँ फ्रेंड्स विकेट ज़्यादा गिरते हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से आप एवरेज इनिंग का स्कोर देख सकते हैं, फर्स्ट एवरेज इनिंग का और सेकंड इनिंग का स्कोर देख के भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड छोटा होने के बाद ही फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज इनिंग स्कोर कम ही दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते हैं जो हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच मैचेस खेले गए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैचेस खेले गए उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 18 मैचेस खेले यहाँ पे दोनों टीमों ने। अब फ्रेंड्स उसके अलावा यहाँ पे देखिए चेन्नई ने 12 मैचेस विन किए और फ्रेंड्स यहाँ से दिल्ली ने 6 मैचेस विन किए। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम पे आपने देखा था यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए थे, आपने फ्रेंड्स हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पे होने वाला था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो गया था और 70 रन पर फ्रेंड्स यहाँ पे आरसीबी आउट हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये बहुत मतलब ये रिकॉर्ड्स हैं फ्रेंड्स फिलहाल के लिए, अभी जो टीमें से फ्रेंड्स यहाँ से बहुत अच्छे फॉर्म में हैं दोनों टीमें, तो रिकॉर्ड्स पर आपने ज़्यादा माइंड करते हुए अपनी टीम नहीं बनाना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स क्या रहे थे फ्रेंड्स अपनी जानकारी के लिए रहे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो मैच यहाँ पे फिरोजा कोटला में दोनों टीम का मैचेस खेलेगा वहाँ पे भी देखिए चेन्नई का पड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 4 मैचेस जीते हैं उन्होंने, 6 मैचेस खेले हैं टोटल और फ्रेंड्स यहाँ से दिल्ली ने 2 मैचेस जीते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको स्क्वाड दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले आप स्क्वाड देख सकते हैं एक बार यहाँ पे दिल्ली कैपिटल का स्क्वाड देख लीजिए और फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सीएसके का स्क्वाड। अब देखिए यहाँ से काफ़ी प्लेयर हैं जो मैचेस में नहीं खेले थे, शायद से आज के मैच में आपको खेलते हुए नजर आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्लेइंग 11 जो रहेगी वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर रिसेंटली इंडिया का मैच हुआ था, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तो फ्रेंड्स क्या उनका परफॉर्मेंस रहा था फ्रेंड्स यहाँ पे, किसको विकेट्स मिले थे, पेसर्स को या स्पिनर्स को, सारी जानकारी आपको यहाँ से मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं सबसे पहले आपको वही रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ सीधा यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखिए कि फिरोजा कोटला में जो मैदान में फ्रेंड्स यहाँ पे मैचेस हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं एवरेज ठीक ठाक स्कोर है फ्रेंड्स यहाँ पे ओडीआई का मैचेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिल्ली मैच खेला गया था फ्रेंड्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अब फ्रेंड्स स्कोर एक बार अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ओडीआई मैचेस था और ओडीआई और टी20 में काफ़ी फर्क होता है, यहाँ बहुत स्लोली रन बनते हैं यहाँ फ्रेंड्स, बहुत हाई शो फास्टली रन बनते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए जो स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर टिक के खेल सकता है। आप देख सकते हो उस्मान ख्वाजा ने यहाँ पे 100 लगाया था, एरन फिंच ने 27 रन बनाए थे। उसके अलावा आप साथ में विकेट्स देखिए कि भाई पेसर्स को मिले थे या स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिले थे, तो भाई देखिए भुवनेश्वर कुमार ने लिया था विकेट यहाँ पे। इसके अलावा देखिए रविंद्र जडेजा ने विकेट लिया था, मोहम्मद शमी ने लिया था, रविंद्र जडेजा ने। आज फ्रेंड्स एक बात और, आज के मैच में रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं, तो इनको आप बिल्कुल अपनी स्मॉल लीग की टीम में खासकर अपनी टीम से रिमूव नहीं कर सकते, आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उसके बाद पीटर हेडस्कोप आए थे और इन्होंने 52 रन लगाए थे इधर पे और इनका विकेट भी फ्रेंड्स यहाँ से समी को मिला था। इसके अलावा देखिए मैक्सवेल को जडेजा ने फ्रेंड्स यहाँ पे आउट किया था, भुवनेश्वर को एक और विकेट्स मिला था और आप इनका परफॉर्मेंस देख लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुलदीप यादव को विकेट्स मिले थे, मोहम्मद शमी ने फिर विकेट लिया था फ्रेंड्स यहाँ पर रन आउट हुआ था और यहाँ से भुवनेश्वर को फ्रेंड्स आप देख सकते हैं और पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को बराबर हेल्प कर रही फ्रेंड्स यहाँ पे पिच, तो आप बिल्कुल आप अपनी न्यूट्रल टीम बनाएगा मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतरीन हो सकता है जो आप न्यूट्रल टीम अपनी क्रिएट करें। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक जो टीम होगा भाई वो डेमो टीम रहेगी, जरूर नहीं कि आप उसी टीम के साथ खेलें, आप बिल्कुल वहां से चेंजेस करिए, इसलिए मैंने यहां पे ये परफॉर्मेंस आपको दिखाया हूं। और फ्रेंड्स यहां पे देखिए इंडिया का जो बैटिंग रहा था ये फ्रेंड्स यहां पे देखिए फर्स्ट बैटिंग था और फर्स्ट बैटिंग में एक्सपेक्टेड है यहां पे थोड़ा सा ज्यादा स्कोर बनता है। हालांकि फ्रेंड्स अभी टी20 मैचेस में क्या होगा वो मैं नहीं कन्फर्म बता पाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स ये जो रिसेंटली मैच हुआ था वो मैं आपको उसका रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से भुवनेश्वर ने यहाँ पे 3 विकेट निकाला था फ्रेंड्स यहाँ पे और आप देखिए समी ने 2 विकेट निकाले थे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुलदीप और जडेजा ने एक और 2 विकेट निकाले थे। तो फ्रेंड्स आप देखिए पेसर्स को कुछ अच्छा हेल्प कर रही है यहाँ पे, थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी यहाँ पे हेल्प करती है।
तो फ्रेंड्स अब आप इंडिया का देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा था ग्राउंड पर। तो देखिए और रोहित शर्मा ने 56 रन बनाए थे, आपको पता है रोहित शर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं और टिक के यहाँ पे खेल सकते हैं। इसके अलावा देखिए शिखर धवन आज के मैच आपको खेलते देखने वाले हैं, आप इनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पर रिसेंटली देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप और किसी प्लेयर का देखे ना देखे, देखिए जैम्पा को विकेट मिला था, पैट कमी को विकेट मिला था, फ्रेंड्स यहाँ स्टॉनिस ने विकेट निकाला थे। तो आप देख सकते हैं फास्ट और फ्रेंड्स यहाँ पे स्पिनर्स दोनों को सपोर्ट कर। बाकी देखिए आज के मैच ऋषभ पंत आपको खेलते देखने वाले हैं, बिल्कुल देखिए बहुत लोगों ने लिया हुआ है ऋषभ पंत को और लास्ट मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इनका परफॉर्मेंस देख लीजिए, फिरोजशाह कोटला में यहाँ से नाथन लियो ने इनको आउट किया था, स्पिनर है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए विजय शंकर, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एडम जंपा ने एक विकेट लिया था। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए और किसी की बात करें तो फ्रेंड्स आगे के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ इधर से किसने विकेट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद एडम जंपा है, फिर यहाँ से जय रिचर्डन, एडम जंपा, पेट कमिंग और फ्रेंड्स यहाँ से जय रिचर्डन। तो मतलब आप देख सकते हैं फास्ट में तो फ्रेंड्स यहाँ से पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा हेल्प करती है फिरोजशाह कोटला की पिच और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। देखिए आप फ्रेंड्स बिल्कुल न्यूट्रल टीम आपने बनाना है, क्यों बनाना है वो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस देखिए, आप देखिए यहाँ से पैट कमिंग अच्छे खासे फास्टर बॉलर हैं, इनको देखिए 2 विकेट मिले थे। इसके अलावा जय रिचर्डन भी इन्होंने 2 विकेट लिए थे, इसके अलावा स्टॉनिस भी यहाँ पे 2 विकेट लिए थे। आप देखिए 3 विकेट मिले थे एडम जंपा को और 1 विकेट मिला था यहाँ से नाथन लियोन को। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप यहाँ पे देखिए विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ग्रैंड लीग में खासकर फ्रेंड्स यहाँ से आप टीम बना सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में आप फ्रेंड्स यहाँ से आपको और भी सजेशन दूंगा, आप अपनी मर्जी से स्मॉल लीग क्रिकेट कर सकते हैं, ग्रैंड लीग मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से टीम न्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए क्रिस मॉरिस अभी तक नहीं जुड़े हैं टीम से। इसके बाद संदीप लविछन्नी को इस मैच में मौका मिल सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा स्पिनर्स और पेसर्स को सपोर्ट करती है टीम। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कीमो पॉल थोड़े से रिस्की भी रह सकते हैं, हालांकि फ्रेंड्स इनके जगह पर फ्रेंड्स लविछन्नी को मौका मिल सकता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हर्षल पटेल है, अच्छी खासी प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पे, बिल्कुल इनको टीम ट्राई कर सकती है, हाई चांसेस फ्रेंड्स इसके अलावा इनको हर्षल पटेल को टीम ट्राई कर ले। इसके अलावा देखिए अक्षर पटेल को टीम यहाँ पर चाहे तो रेस्ट दे सकती है। बाकी फ्रेंड्स देखिए अमित मिश्रा बहुत अच्छे प्लेयर हैं और पिछले बार के सेशन में लगभग 2 से 3 विकेट हर मैचेस में लेके दिए थे इन्होंने, तो ये अगर खेलते हुए आपको दिखाई देंगे तो भाई इनको आप जरूर टीम में अपने ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चॉइस हो गए जो आपके लिए ग्रैंड लीग मैच चॉइस रहने वाले हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करें तो शिखर धवन और पृथ्वी शो आपको ओपनिंग करते दिख जाएंगे और भाई पृथ्वी शो 7 रन बना के आउट हो गए थे, आपने देखा एक चौका तो इन्होंने लगाया था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आउट हो गए थे। तो बिल्कुल आप पृथ्वी शो को ग्रैंड लीग में टीम में ट्राई करिएगा, मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में भी आपके लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए ऋषभ पंत है, कॉलिन इंग्राम है और सुरेश अय्यर, ये सारे प्लेयर आपको खेलते दिख जाएंगे। इसके अलावा कीमो पॉल, ये जो मैं यहाँ से रिस्की ऑप्शन आपको बता चुका हूँ, तो उस चीज़ पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना टीम बनाते समय, अगर फ्रेंड्स यहाँ से नहीं खेलते अपनी टीम से आप अपनी टीम से जल्द से जल्द उनको रिमूव कर देना। इसके अलावा देखिए चेन्नई सुपर किंग की तरफ से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शार्दुल ठाकुर का जो ऑप्शन है, तो भाई आपने लास्ट मैचेस देखा होगा जो पहला मैच खेलता था वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका ही नहीं मिला था फ्रेंड्स यहाँ पे कि वो यहाँ पे बॉलिंग करा सके। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आज के मैच में यहाँ से फाफ डुप्लेसिस को टीम मौका दे सकती है, जो कि फ्रेंड्स साथ से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। नित फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शेन वॉटसन और राइडू ने यहाँ से ओपनिंग किया था, अगर डुप्लेसिस खेलेंगे तो फ्रेंड्स राइडू के यहाँ से लगभग 4 नंबर पर आना पड़ जाएगा, उसके इसमें यहाँ से रहना मेरे हिसाब से 3 नंबर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे और ओपनिंग में फ्रेंड्स यहाँ से शेन वॉटसन के साथ में आपको यहाँ से फाफ डुप्लेसिस खेलते हुए दिख जाएंगे। आप फ्रेंड्स यहां से देखिए और किसी की बात करें तो टीम न्यूज की फ्रेंड्स यहां पे देखिए, तो फ्रेंड्स यहां पे आप लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, शिखर धवन का मतलब ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है यहां पे, लेकिन मैंने आपको इनको फिरोजशाह कोटला का परफॉर्मेंस दिखा दिया है रिसेंटली जो रहा था। अब देखिए यहां पे शिखर धवन ने 43 रन लगाए थे, पृथ्वी शो 7 रन बना के आउट हो गए थे, ओपनिंग आए थे दोनों प्लेयर्स के, सुरेश अय्यर ने 16 रन बनाए थे, कॉलिन इंग्राम ने 47 रन की पारी खेली थी, बहुत अच्छे प्लेयर इनको आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था और फ्रेंड्स यहां से 78 रन बनाए, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, आपने करना इनको कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आईपीएल में बहुत अच्छा फॉर्म रहता है कुछ प्लेयरों का, जिस फ्रेंड्स मैंने लास्ट मैच में बोला था आपको। अब उसके अलावा देखिए कीमो पॉल ने 1 विकेट निकाला था यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीम चाहे चेंजेस करना तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से लविछन्नी को मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए अमित मिश्रा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चॉइस है, अगर खेलते हैं तो आप इनको ट्राई करेगा। बाकी हर्षल पटेल का भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 विकेट इन्होंने भी निकाला और 4 रन बनाए थे, हालांकि बैटिंग से कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा देखिए तेवटिया है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो टीम चाहे तो बिल्कुल यहाँ से संदीप लविछन्नी को तेवटिया की जगह भी ला सकती है, लेकिन तेवर ने अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, लगभग 1 विकेट उन्होंने भी निकाला था। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रवाडा और ट्रेंट बोल्ट, ईशांत शर्मा, मेरे हिसाब से ये प्लेयर आपको कंफर्म खेलते हुए मिल जाएंगे आज के मैच में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और बोल्ट और रवाडा का तो फ्रेंड्स आपको बताने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छे प्लेयर। इसके अलावा देखिए चेन्नई की बात करते हैं तो वाटसन आते 0 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी इनके साथ गई होगी क्योंकि इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकी, ओपनिंग आएंगे और इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, पृथ्वी शो भी ओपनिंग आते हैं और प्लेयर बहुत अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए राइडू और फाफ डुप्लेसिस आज के मैच में यदि आपको खेलते हुए दिखाई देंगे तो राइडू को रैना के बाद यहाँ पर डाउन में नीचे किया जाएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सुरेश रैना का परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए
आपके पास महेंद्र सिंह धोनी हैं और एक्सपेक्टेड है केदार जाधव से यहाँ से ऊपर खेलने के लिए आएंगे, पहले लगभग 4 नंबर पर। लास्ट में जो भले फ्रेंड्स यहाँ से सबको ऊपर लाया गया था, जैसे इनको ऊपर लाया गया था खेलने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी नहीं आते क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर चेन्नई जीतने की कंडीशन में थी, तो उस केस में इन्होंने इनको बैटिंग करा दी, इनको मौका दिया था ऊपर खेलने का फ्रेंड्स यहाँ पर। तो महेंद्र सिंह धोनी एक्सपेक्टेड है 4 नंबर पर आज के मैच में आज को खेलते हुए दिखाए थे, उसके बाद केदार जाधव और रविंद्र जडेजा। और फ्रेंड्स यहाँ पर डीजे ब्रैवो हैं, दीपक चहर का बहुत अच्छा ऑप्शन है, हालांकि इनको विकेट्स नहीं मिले तो इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर है। और आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉल कराई थी, लगभग 4 ओवर यहाँ से पूरे महेंद्र सिंह धोनी ने इनको पूरे करा दिए थे। तो फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि पेसर्स को यहाँ पे हेल्प मिलती है, आप बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके अलावा देखिए हरभजन सिंह ने 3 विकेट निकाले थे। अब फ्रेंड्स हरभजन सिंह को 3 विकेट क्यों मिला था, इन्होंने फ्रेंड्स अपने जो इनका एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे आपने देखा होगा, हमेशा फ्रेंड्स यहाँ से कमेंट्री में बैठते हैं और लगभग सारे प्लेयरों पर नजर रहती है कौन से प्लेयर किस यहाँ पे क्या कमजोर रहती है कौन से प्लेयर की, तो उस चीज़ का इन्होंने फायदा उठा लिया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शार्दुल ठाकुर को फ्रेंड्स यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया ना ही इनकी बॉलिंग इनसे कराई नहीं गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यदि पेसर्स को देखते हुए टीम इनको मौका दे सकते हो बिल्कुल इनको खिला सकते हो, बाकी फ्रेंड्स यहाँ से 5 WC के हाई चांसेस है आज के मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक और बेहतरीन ऑप्शन है इमरान ताहिर का, तो ये प्लेयर आपको कन्फर्म खेलते हुए दिखने वाले, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको पहले ही बता दूंगा भाई 5 WC यदि ओपनिंग करते हैं तो रायडू को लगभग 4 नंबर पर यहाँ से खेलना पड़ जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़े टीम बनाते समय। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर अपने माई टीम 11 पर खेला चालू नहीं किया तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, माई टीम 11 पर पैन कार्ड वेरीफाई कर लेना, साइन अप करते हुए 100 रुपये मिल जाएंगे, बहुत अच्छी लीग है, कम पैसे में आप ज़्यादा अमाउंट विन कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे खेलेगा, पैन कार्ड जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको 100 रुपये यहाँ से मिल जाएगा, 100 रुपये आप यहाँ से 100% यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 घंटे पहले जो डेडलाइन हो जाती है तो वहाँ पे भी आप खेल सकते हैं। और फ्रेंड्स आपने यदि खेलना है लास्ट तक तो बिल्कुल आप लास्ट तक भी खेल सकते हैं, जहाँ पे आपकी डेडलाइन बिल्कुल नहीं होगी और जब तक मैच चालू होगा उसके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 22 प्लेयर भी दिखा दी जाएगा, भाई ये प्लेयर खेले इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे खेलेगा आप फ्रेंड्स यहाँ से अच्छा खासा विनिंग अमाउंट कर सकते हो। आप फ्रेंड्स उसके साथ में यहाँ पे लीगल्स और हाला प्ले पे खेला चालू नहीं किया तो हाला प्ले पे भी आपको 22 प्लेयर दिखा दीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स आपको जो भी कैश बोनस मिलता है 100% आप कैश बोनस यूज कर सकते हो, हाला प्ले पे आप जरूर खेलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे आप अच्छा खासा विन कर सकते हो। इसके अलावा आपने फ्रेंड्स लीगल्स पे खेलेगा क्योंकि यहाँ पे आप दोनों विकेट कीपर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ 4 ऑलराउंडर को मैक्सिमम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, 7 बैट्समैन ले सकते हो, 7 बॉलर्स को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेहतरीन है यहाँ पे आप खेलेगा अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं और विड्रॉ इनका सिस्टम बहुत फास्ट है, आपके बैंक अकाउंट में लगभग 5 से 6 सेकंड के अंदर पैसा भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहां से खेल के अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं, खेलने के लिए आपको 2500 रुपये फ्री में मिल जाएगा, 200 रुपये तक लीग की तरफ से कैश बोनस मिलता है, बिल्कुल अच्छी साइड है, बिल्कुल खेलेगा फ्रेंड्स यहां पर, सारी साइडों का लिंक और रेफर कोड में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप यहां से साइन अप करके खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी को पहले मैच जो हुआ था फ्रेंड्स उसमें 66% लोगों ने लिया था, लेकिन बैटिंग करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 28% लोगों के साथ जा रहे हैं, भाई इनको आप ट्राई करेगा अगर मेरे सजेशन माने तो ये आपके लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ से ऋषभ पंत का रिकॉर्ड्स भी दिखाया है, फिरोजा कोटला में क्या परफॉर्मेंस रहा उनका, महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे प्लेयर, आपको पता है टेक्निकली बहुत शांत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए आपने मेजोरिटी के साथ जाना है फ्रेंड्स, यहाँ मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा आपको कि आप महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में लेके जाए, बाकी फ्रेंड्स मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छा गाइड करना जो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप ऋषभ पंत के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, मेजोरिटी के साथ जगह है और फ्रेंड्स आपके अपोनेंट में आपको ऋषभ पंत खेलते हुए दिखने वाले हैं। अब ऋषभ पंत का फ्रेंड्स ऐसा रहेगा लगभग 5 नंबर पर खेलने के आएंगे फ्रेंड्स, आप और टीम चाहे तो उनको ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। उसके समय मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी आज के मैच में आपको लगभग 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, हाथ से 5 नंबर पर आपको खेलते हुए दिखाते दे जाएंगे विकेट्स गिरते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर मेरे हिसाब से विकेट कीपर में आपके पास ऋषभ पंत ठीक ठाक ऑप्शन, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैंने जो बोला है आप बिल्कुल उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास ऋषभ पंत इनका पास ऑप्शन है, आपके पास यहाँ से शिखर धवन का आप इनको ट्राई कर सकते हो ओपनिंग आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शेन वाटसन का, तो वाटसन को ट्राई कर सकते हो ओपनिंग, आपको दोनों प्लेयर खेलते हुए दिख जाएंगे अपने अपने टीम की तरफ से। इसके अलावा रैना है फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 1 डाउन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो और 3 नंबर पर खेलने के लिए आएंगे। इसके अलावा रायडू है फ्रेंड्स यदि 5 WC आज के मैच में आपको खेलते हैं तो रायडू मेरे हिसाब से आज के मैच में आपको 4 नंबर पर खेलते हुए दिखने वाले, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ से रायडू एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास है सुरेश अय्यर का ऑप्शन है, जो कि लगभग आपको यहाँ से 1 डाउन खेलते हैं 3 नंबर पे खेलते हैं दिखने वाले दिल्ली की तरफ से, आप इनको ट्राई कर सकते हो। पृथ्वी शो एक बार फिर से आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, बहुत अच्छे प्लेयर इनको ट्राई जरूर करेगा। इसके अलावा 5 WC खेलते हैं तो भाई आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी यहाँ से कॉलन ग्राम लगभग आपको 4 नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से और किसी प्लेयर पर मैं नहीं बोलूँगा कि आपने यहाँ से किसी प्लेयर को ट्राई करना है, आप बिल्कुल परेशान मत होना इधर पर। आपने देखिए अब मैं यहाँ से वाटसन को ट्राई करूँगा,
वाला फ्रेंड्स लास्ट मैच 0 पे आउट हो गया थे, आप यहाँ सुरेश रैना रायडू को ट्राई कर सकते हैं, आपने अक्सर सुरेश अय्यर को तो इनको ले सकते हैं, पृथ्वी शो को मैं यहाँ चलूँगा। अब जो एक बैट्समैन बचता है फ्रेंड्स, पाँचों बैट्समैन मेरा रहने वाला, आप देखिए यहाँ से या तो आप कॉलिन इंग्राम को अपनी टीम में ले लीजिए तो आपके 5 बैट्समैन हो जाएंगे। यदि आपने उसके समय यहाँ पे देखिए किसी एक प्लेयर को अपनी टीम से रिमूव करना है, जिस फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप यहाँ से रायडू को अपनी टीम से रिमूव करना चाहते हैं, रैना को रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल रिमूव करिए। आपके पास सुरेश अय्यर का ऑप्शन है, अच्छे प्लेयर है, इसके अलावा देखिए आपके पास ऑप्शन है फाफ डुप्लेसी का, यदि खेलेंगे तो अपने को ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से शिखर धवन के साथ जा सकते हो। फ्रेंड्स आपके ये बैट्समैन रह सकते हैं आपकी टीम में, आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके फ्रेंड्स यहाँ पे आपने चेंजेस करना, विकेट कीपर चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आपने यदि एक बैट्समैन यहाँ पर ट्राई करना चेंज नहीं की तरफ से तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप ग्रैंड लीग में आपके लिए फिर से कुछ ऑप्शन निकल के आ रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए आप डीजे ब्रावो को ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर डेथ में ओवर कराएंगे और इनके विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। आप देखिए केदार जाधव ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था और आपको पता है टिक के खेलने वाले प्लेयर हैं, विकेट्स गिरते हैं तो ये थोड़ा रोक के खेल सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास अक्षर पटेल का ऑप्शन है, थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को मैं यहाँ से बिल्कुल अपनी टीम से रिमूव नहीं करूँगा, मैं चाहे खेलूँ स्मॉल लीग चाहे खेलूँ ग्रैंड लीग तो आप इनको बिल्कुल ट्राई करेगा। फ्रेंड्स इनका मैं आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिखा चुका हूँ फिरोजा कोटला में, तो फ्रेंड्स आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा तेवटिया एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप इनको ट्राई कर सकते हैं आपने ले तो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से और किस प्लेयर के चांस लगते हैं तो मैं यहाँ से डीजे ब्रावो को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। आप देखिए बात करते हैं बॉलिंग, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से संदीप लमिछन्ने का जो मैंने आपको बताया है काफ़ी न्यूज देखा मैंने यहाँ, तो लमिछन्ने को मौका मिल सकता है इस मैच में खेलने के लिए, आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे स्पिनर से नेपाल के आपको पता होगा। इसके अलावा देखिए रवाड़ा आपको खेलते मिल जाएगा, रवाड़ा का फ्रेंड्स यहाँ पर बताने की जरूरत मुझे है नहीं। हाँ अमित मिश्रा का मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, खेलेंगे तो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, आप इनको ट्राई करेगा। पिछले सीजन में लगभग 2 से 3 विकेट हर मैचेस में इन्होंने निकाले थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एकाधिक मैचेस इनका विकार गया होगा, बाकी बहुत अच्छे विकेट्स इन्होंने निकाल के दिए थे तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ से ट्रेंट बोल्ट का ऑप्शन है, आपको पता है इनकी भी मुझे बताने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा ईशांत शर्मा आपको मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी इमरान ताहिर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं फ्रेंड्स, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दीपक चहर हैं, मैं इनका आपको पहले ही बता रहा था, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर मेरे हिसाब से आज के मैच रिस्की रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इनको बॉलर नहीं कराएंगे थे आज के मैच में, यदि पेसर सपोर्ट करती है टीम तो फ्रेंड्स याद रखना ये आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छी चेस हो सकते हैं। अगर आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं तो 6 टीम लगाओ तो ही आप इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी प्लेयर का मैं यहाँ से बोलूंगा नहीं। देखिए हर्षल पटेल है, ये अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और मौका मिलता है तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लेगा। मैं आपको सारे प्लेयरों का जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्लेइंग 11 पहले ही दिखा दिया है। अब कौन प्लेयर कैसे खेलता है, किसकी न्यूज आ रही है, मौका मिल सकता नहीं मिल सकता, आप उसको जानते हो नहीं जानते भाई, कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो मैं आपको वो सब यहाँ से बता दे रहा हूँ। अब देखिए कीमो पॉल आपको एक बार फिर से अगर खेलते हुए दिखाई दें तो भाई एक चीज़ याद रखना, लास्ट मैच कीमो पॉल आउट जरूर हो गए थे जल्दी, लेकिन फ्रेंड्स कीमो पॉल बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और बॉलर तो अच्छी खासी करा ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे किसी प्लेयर की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हरभजन सिंह को ट्राई करना, तो भाई एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप इनको ट्राई कर सकते हो और पहले मैचेस में उन्होंने 3 विकेट झटक लिए थे, तो फ्रेंड्स आज के मैचेस में इस प्लेयर्स को फिर सपोर्ट कर गई तो ये कुछ ऐसे ही कमाल आज के मैच में आपको करते हुए दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से बॉलर्स के काफ़ी ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अपनी मर्जी से प्लेयर अपना ट्राई कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ से आपको जो प्लेयर लेने वाला अपनी टीम में आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से ये टीम अच्छी रह सकती है। बाकी फ्रेंड्स देखिए फाफ डुप्लेसिस खेलेंगे तो भाई उनको मैं अपनी टीम में ट्राई कर लूँगा क्योंकि रिसेंटली उनका बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है। उसके अलावा देखिए आप धोनी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, शिखर धवन यहाँ पर ऋषभ पंत का मैं परफॉर्मेंस आपको फ्रेश कोटला में दिखा चुका, लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखना, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आईपीएल में उन्होंने, उसके पहले ये मैंने आपको ओडीआई के दिखाया था जो उन्होंने इंटरनेशनल मैच इंडिया के साथ खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए पृथ्वी शो है, तो ये कुछ एक प्लेयर है जो मैंने अलग से ट्राई किए हैं, आप इनको बिल्कुल अपनी टीम से रिमूव कर सकते हो, आपके पास काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। आप बिल्कुल यहाँ पर देखिए सुरेश रैना को ट्राई कर सकते हैं पृथ्वी शो को रिमूव करके, और आपने यहाँ वाटसन को अपनी टीम से रिमूव करना, बिल्कुल इनको अपनी टीम से रिमूव कर सकते हो। आपके पास यहाँ से देखिए काफ़ी ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलराउंड सेक्शन में सारा कुछ यहाँ से परफॉर्मेंस के साथ सब कुछ दिखा चुका हूँ, और बॉलर्स में देखिए दीपक चहर जैसे काफ़ी आपके पास प्लेयर अवेलेबल है फ्रेंड्स, आपने चेंजेस करना, आप यहाँ से बिल्कुल चेंजेस कर लेना। मैं नहीं चाहता कि फ्रेंड्स आप सेम टीम के साथ खेलें क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जो भी चेंजेस कर लेंगे हो सकता है वो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए और आपकी वन साइडली विन भी करा दे, तो फ्रेंड्स चेंजेस जरूर करिएगा, मेरा काम है आपको खाली गाइड करना, वो मैं आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, तो सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको यहाँ से दूंगा स्मॉल लीग में आपने ट्राई करना, तो मेरे हिसाब से आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, ऑप्शन की कमी है नहीं आपके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब ऋषभ पंत को यदि खेलने का मौका मिलता है फ्रेंड्स, 5 नंबर पर खेलने के लिए आगे मौका मिलता है तो प्लेयर अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बाकी फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में जो मैंने आपको बातें बताई भाई ध्यान में रखे एक बार टीम जरूर बनाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऋषभ पंत आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्मॉल लीग के लिए, इसके अलावा देखिए बैटिंग करने का मौका मिलता है अच्छा हो सकता है। इसके अलावा देखिए अब फाफ डुप्लेसिस खेलेंगे तो आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, रिसेंटली फॉर्म अच्छा चल रहा है, अंबाती रायडू है अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके लिए। इसके अलावा देखिए कॉलिन इंग्राम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन के आपने फ्रेंड्स यहाँ पे जिसको ट्राई करना आप कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से धवन
को ट्राई कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आज पृथ्वी शो को। पृथ्वी शो का एक डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा यदि आप उनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया तो आप वन साइडली यहाँ से विन भी कर जाओगे, नहीं तो फ्रेंड्स आपका लॉस भी हो जाएगा अगर लास्ट टाइम की तरह ये आउट हो गए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना है, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।